और इधर झाबिमो के विकास मुखर्जी और संजय सेठ संवाददाता सम्मेलन कर प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार को वोट देने की अपील लोगों से की है, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे हैं। बिष्टुपुर राजस्थान भवन में उद्योगपति विकास मुखर्जी ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचारी और राज्य सरकार को खिलाफी करार देते हुए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को एक मैसेज दे, सोसाइटी को एक मैसेज दे कि आज जिस तरह का हालात है, राजनीतिक हालात है देश के अंदर में, केंद्र की सरकार जो भ्रष्टाचार के गद्दी में बैठा हुआ है और आम जनता के लिए जिसने सिर्फ महंगा ही दिया है, इस सरकार को एक मैसेज देने के लिए साथ साथ राज्य की सरकार, जो सरकार पूर्णतः निकम्मी सरकार है, जिन्होंने एक भी वादा आज तक जितना वादा किया है वो वादा को पूरा नहीं कर सका और ना ही इनमें करने के लिए कोई पॉलिटिकल विल है, इस सरकार को भी एक मैसेज देना जरूरी है। पीएम बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जिन्होंने शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद छेड़ा, उनका हाथ को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट में सिर्फ जमशेदपुर नहीं बल्कि पूरे झारखंड का आवाज़ को बुलंद करने के लिए, बाबूलाल मरांडी जी को पार्लियामेंट के अंदर में सहयोग देने के लिए डॉक्टर अजय, जिन्होंने जो किसी तरह कोई परिचय का मोहताज नहीं है, जिनको जमशेदपुर और सिंहभूम ईस्ट के लोग बहुत भली भांति जानते हैं। संजय सेठ ने कांग्रेस और भाजपा को एक ही सिक्का के दो पहलू बताया है और दोनों पार्टी को महंगाई बढ़ाने वाला पार्टी बताया है। महंगाई कांग्रेस ने जो बढ़ाई, गैस के दाम, डीजल के दाम, लोग आम कहते हैं ना कि सब्जियों के दाम, अनाज के दाम, तो रसोई चौका तबाह हो चुका है, घर की महिलाएं, बजट उनका गड़बड़ा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई हक नहीं है कि वो जाके केंद्र सरकार का पुतला जलाए और उसका शव यात्रा निकाले, क्योंकि आपकी शव यात्रा भी निकलनी चाहिए, आपका भी पुतला दहन होना चाहिए कि आपने आटा, सूजी, मैदा, गेहूं, चावल, इस पे वैट लगाया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं वैट नहीं है, पहले 4% था, 2 महीने पहले आपने 5% कर दिया, तो महंगाई कौन बढ़ा रहा है? आम 11 रुपए सिलेंडर बढ़े हुए 6 महीने हो गए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी विधानसभा के अंदर कि नहीं नहीं 11 रुपए हम वापस कर लेंगे, आज तक वो 11 रुपए वापस नहीं हुआ। महंगाई कौन बढ़ा रहा है? अर्जुन मुंडा की सरकार। तो आपको क्या अधिकार है? एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों पूंजीपतियों की पार्टी है, दोनों महंगाई बढ़ाने वाले पार्टी है, इसलिए जनता सावधान हो जाओ।